יס, איזה כיף תחת של כלב מול הפנים. दोस्तों, अगर जानवरों के बारे में कुछ कहना हो तो उनके अतरंगी कारनामों को सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि ये हर वक्त कुछ न कुछ उठ पटांग हरकत करते ही रहते हैं। इसलिए आज हम आपको इन जानवरों के कुछ मजेदार क्लिप दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाओगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहे। बिल्लियाँ एक दूसरे से ज्यादातर लड़ती ही रहती है, लेकिन इस क्लिप में कुछ ऐसा कैप्चर हो गया जहाँ पे ये दोनों बिल्ला बिल्ली एक दूसरे को पप्पी करने वाले थे कि तभी कुत्ता भाई ने डिस्टर्ब करके इनका मूड खराब कर दिया। इसके बाद बेचारे ये दोनों भी डर गए, जैसे कुत्ता कह रहा हो मुझे यहाँ से सब दिख रहा है। पूरा मूड खराब कर दिया। घोड़े जब भी किसी को मारने की कोशिश करते हैं तब उनके पास अपना एक ही हथियार होता है, और वो है उनकी लात। इनके एक लात पड़ते ही अच्छे अच्छे भी उठ जाते हैं। खैर, हर बार ये अपनी लात का इस्तेमाल करे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये दो घोड़े एक दूसरे से लड़ रहे थे कि तभी उनमें से एक घोड़े ने दूसरे घोड़े को जॉन सीना की तरह उठाकर नीचे पटक दिया, जो शायद अभी अभी WWE देखकर ट्रेनिंग लेकर आया है। And his name is John C. पेट्रोल की बढ़ती प्राइस, जानवर भी बड़े सतर्क हो गए हैं, और वो कैसे आप इस वीडियो में ही देख लीजिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बंदर इस पेट्रोल पंप पर आ गया है जो बाइक पर चढ़ता है, जिसमें पेट्रोल भरा जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि भाई पेट्रोल के फ्रॉड को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, जो चेक करने के लिए डायरेक्ट टंकी पर ही खड़ा हो गया है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हर वक्त सिर्फ क्यूट ही नजर आते हैं। यहाँ पर हम बिल्लियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो किसी और की बात कर रहे हैं, जो ये है, जिसे इसके ओनर ने एक हेलमेट पहनाया और खाना दे दिया, जो कि खाते वक्त ऐसा लग रहा है मानो कि ये कुछ खा ही नहीं रहा, बल्कि ये तो रैपिंग कर रहा है। क्यों सही कहा ना? अब जरा आप इस क्लिप को देखें, जिसमें एक फ्रॉग इस बीटल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीटल ने फ्रॉग के मुंह को काट लिया। इसके बाद इस मेंढक ने क्या किया वो आप खुद ही देख लीजिए। ओ जाने मन, किधर? तो देखा आपने, काटने के कारण फ्रॉग को इतना गुस्सा आया कि उसने बीटल को लात मार के नीचे ही फेंक डाला। सामने वाला जानवर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, उसे डराने की हिम्मत यदि दूसरे जानवर में है तो वो कुछ भी बड़े आराम से कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये गूस और कुत्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जो एक दूसरे को बड़े खुन्नस दे रहे थे, लेकिन तभी गूस भड़का और उसने कुत्ते को वहाँ से भगा दिया, जो खुद भी उसके पीछे उसको डराने के लिए भाग गया। बेचारा कुत्ता भी सोच रहा होगा, आज तो बाल बाल बचा हूँ यार, तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा, जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले, समझ ले, नहीं तो अंग्रेजी कुत्ते। इस कुत्ते को तो गूस ने भगा दिया, लेकिन इस बकरी के सामने भाई की दाल नहीं गली, जिसमें ये बकरी उसे अपने सिर से ढकेले ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए कहते हैं ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि हर शेर के लिए एक सवा शेर तो होता ही है। वैसे ही दोनों गूस अलग अलग थे, लेकिन पंगा लेने की आदत तो उनमें होती ही है। अम्मा आइला पुत्रिया, कान जोड़ मेरा, कान जोड़, हल्का किया सले, धीर धीर, अरे ना मेरा नाक, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, मर्द की तरह लड़ना। बंदरों की प्रजाति सबसे बड़ी मस्तीखोर होती है, और ये किसी से भी बेवजह
पंगे ले लेते हैं, फिर सामने चाहे बाघ ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बंदर नहीं बल्कि ये बाघ ही इसे उंगली कर रहा है, जो इस बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया है। खैर अब इस बाघ को कौन समझाएगा कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन पेड़ पर बैठे हुए बंदर को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। और ये लो आखिर में हमारे बाघ भाई नीचे ही गिर गए, जिनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जानवरों में भी इमोशंस होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन वो इमोशंस किस किस तरह के हो सकते हैं, ये आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पे इस भाई ने अपने घर में पालने के लिए एक पप्पी को लाया, जो बड़ा ही प्यारा है। लेकिन एक और है जो इस पप्पी पर अपने नजरें गड़ाए हुई है। देखा आपने, अपने घर में खुद के अलावा दूसरे पेट को देखकर इस बिल्ली को कितना गुस्सा आ रहा है, जिसके एक्सप्रेशन देखकर तो यही लगता है कि ये बेचारे ये इस पप्पी को घर से बाहर निकाल कर ही मारेगी। इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए। ए, चले चल, 1, 2 का 4 हो, चल निकल यहाँ से, चल चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा। चल यहाँ से निकल। बात मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू, मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से। कुत्ते और बिल्लियों में पहले से ही घमासान युद्ध होते आ रहे हैं, जो कभी कभार एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और वक्त आए तो झगड़ भी लेते हैं। और इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस बिल्ली ने तो अपने गैंग को ही बुला लिया है, जो सारे मिलकर इस अकेले कुत्ते को डरा रहे हैं, जिन्हें देखकर बेचारे इस कुत्ते की भी हवा टाइट हो गई और वो पतली गली से निकल लिया। Hey, what up, cuz? Look, can I help you find something? You look like you lost, nephew. जितने यही सोचा होगा कि आज यदि इनसे पंगा लिया तो मेरा पिछवाड़ा ही सूझ जाएगा, ये बिल्लियाँ तो ब्लैक कोबरा गैंग की लगती है बॉस। अन की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है। लगा के क्या रखा है, क्या लॉजिक क्या है, इसके पीछे उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। वो कहते हैं ना कि बेवजह किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस भाई ने ये करके दिखा दिया, जिसने अपने हाथ में इस बेबी पिगी को पकड़ा है। और पता नहीं वो इसे पकड़कर क्या साबित करना चाहता है। इसके बाद इसने इसे छोड़ दिया और जाने के लिए कहा, लेकिन अभी पिगी का माथा गर्म हो गया और ये इस आदमी पर भड़क रहा है, जो कह रहा होगा यदि मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देना था तो मुझे पकड़ा ही क्यों। साले कुत्ते, साले मवाली, ये बोला ना, एक मिनट, मैं जानता हूँ, मार मत। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।